उत्तर प्रदेश बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज भी तीन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, दो सपा के नेता हैं, एक कांग्रेस के हैं, जिनकी घर वापसी हो रही, किस तरह से इसको देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी परिवार में ये क्रम क्रम से चल रहा है। कल भी लखनऊ में एक बड़ी सूची ज्वाइन करेगी। हम ऐसे उन लोगों को जो अपने संगठन में काम करने में से मतलब ऊब गए हैं और उनमें कार्य क्षमता है, अगर वो अपनी चौखट लांग लिए और भाजपा के दरवाजे पर आए तो भाजपा उनको यदि मानक के अनुरूप पाती है, अपने राजनीतिक अभियान में अनुकूल पाती है, तो उनको भाजपा ज्वाइन करा रही है। उसी क्रम में आज हमारे तीन साथी, माननीय सेवाकांत ओझा जी की घर वापसी है, श्री राकेश सचान जी कांग्रेस से हैं, पहले पूर्व सपाई हैं, उनके द्वारा भाजपा की ज्वाइनिंग है, और वर्तमान विधायक शरदवीर जी शाहजहांपुर की भी आज ज्वाइनिंग है समाजवादी पार्टी छोड़कर। सपा ये आरोप लगा रही है जो लोग जा रहे हैं सपा छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनके टिकट कट रहे थे या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनको पहले से पता था कि उनको आगे उनको टिकट नहीं मिलने वाला, ऐसे लोग बीजेपी में आ रहे हैं? ऐसा शायद ही कोई एक आध आदमी हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन सपा इस बात का जवाब दे दे कि इससे पहले जितने सपाइयों को हमने ज्वाइन कराया तब तक कौन से टिकट कट गए थे। इसलिए वो अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये स्थिति उनकी है। जिस तरह से सपा की जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है, लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के ऊपर सवाल उठा, सपा भी अब सवाल उठा रही है बीजेपी की लिस्ट के ऊपर, कैंडिडेटों के ऊपर जो चुनावी मैदान में। ओवरऑल लिस्ट पर सवाल उठाना अनुचित, स्पेसिफिक किसी बिंदु पर किसी का नाम लेकर सवाल उठाए तो उस पर विचार, लेकिन समाजवादी पार्टी की सूची को अगर आप देखें तो श्रृंखला है पूरी, एक दो नहीं है, इसलिए उनको अपनी सूची पर आकलन करना चाहिए बजाय दूसरे के अपने गिरबान में झांके, बजाय दूसरे के आंगन में झांकने के। सर, एक आखिरी सवाल है आरएलडी से जुड़ा हुआ, कल जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं से बातचीत की और कहा कि आरएलडी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी ने जवाब दिया, कहा कि पहले जो 700 लोग थे उनके पास जाना चाहिए फिर हमारे पास आना चाहिए। एक बात आप निश्चित मानकर चलिए कि कोई भी व्यक्ति और समाज किसी भी दल के लिए अछूता नहीं है। हमने जाट समाज के प्रमुख लोगों को बुलाकर उनसे वार्ता की और उनसे समझने की कोशिश की कि जो ये परसेप्शन प्रिवेल करने की का प्रयास विपक्षी दलों द्वारा हो रहा है उसकी वास्तविकता क्या है। सच ये है कि वो वास्तविकता के धरातल पर नहीं है। जाट समाज आज भी भाजपा के साथ है और उसी क्रम में हमारे सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी ने ये आग्रह किया उनसे कि वो गलत स्थान पर चले गए हैं और वो भाजपा की तरफ विचार करें, और अखिलेश जी ने अपना राजनीतिक क्या नाम जयंत जी ने उसका राजनीतिक जवाब दिया, वो उनका हक है। सर, पोस्ट पोल अलायंस भी अभी बचा है, संभावना है उसकी? पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने जो वास्तविक अलायंस है हमारा अपना दल के साथ और निषाद पार्टी के साथ, उसके आधार पर हम सरकार बनाएंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध ओसमानी, भर समाचार, दिल्ली।